खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत से, जहां बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह की अनोखी अपील सामने आई। यूपी के बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि कमल को वोट दो, नहीं तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाएंगी। मंच से बोलते हुए सांसद ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी जी का आसन कमल है, जिन्हें घर में लक्ष्मी चाहिए तो उन्हें कमल रखना ही होगा, कमल को वोट देना ही होगा और कमल का बटन दबाना ही होगा। सांसद ने कहा कि जो कमल के साथ नहीं उनसे लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। लक्ष्मी जी को ना गाड़ी चाहिए, ना कार चाहिए, ना ही साइकिल चाहिए, लक्ष्मी को केवल कमल चाहिए। दरअसल बागपत सांसद बड़ौत में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान ये बयान दिया। इससे पहले कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुस्लिम बच्चों को शाकाहारी खाना खाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि आप घर में एक बच्चे को मांसाहार दो और दूसरे को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाओ, दोनों बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य में आप फर्क देख लेना। आप खुद तय करेंगे कि बच्चे को शुद्ध शाकाहारी भोजन देना चाहिए या नॉनवेज देना चाहिए। आपको बता दें कि सत्यपाल सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। वो दो बार बागपत सीट से सांसद हैं। पहली बार 2014 में जीते, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए सत्यपाल सिंह ऐसी बयानबाजी कर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। जो लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खाना चाहते हैं, एक दो मुसलमान बच्चे भी थे, उनके लिए विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, आप एक बच्चे को घर में एक बच्चे को मांसाहार दो, अंडा खिलाओ, और एक बच्चे को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाओ, दोनों बच्चों की पढ़ाई में आप फर्क देख लेना, दोनों बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य के अंदर उनके अंदर फर्क देख लेना। आप अपने आप तय करोगे कि बच्चों को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाना चाहिए या उनको नॉनवेज खिलाना चाहिए। और डेली बच्चे से प्राणायाम करें, व्यायाम करें, कुछ तो करें ताकि शरीर जो है ठीक रहे। लेकिन तो कुछ बच्चे जो है जब परीक्षाओं में इतने पढ़ते हैं बीमार होने लगते हैं, बुखार आने लगता है, पहले से पढ़ना शुरू करना चाहिए। मैं हमेशा बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, मैंने सातवीं क्लास से लेकर जब तक मैं पढ़ा मैं हमेशा टॉप किया है।